हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल गुड मॉर्निंग अब्रॉड असीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त और यह है सिंगापुर ट्रैवल अपडेट के बारे में एक और वीडियो इससे जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट वीडियो उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में बात की थी और पहली चीज़ तो ये था कि क्या जिन लोगों को दो वैक्सीन्स लगी हैं क्या वो एंटर कर सकते हैं सिंगापुर विदाउट बूस्टर डोज तो उसके बारे में मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दी थी सारी उस लास्ट वीडियो में दूसरी चीज़ हमने बात की थी बच्चों के बारे में जो बच्चे तेरह साल के हैं या तेरह साल से ऊपर के हैं उस केस के अंदर क्या कॉरबैक्स जिसकी डोज़ इंडिया में भी लग रही है बच्चों को क्या वो बच्चे एंटर कर सकते हैं सिंगापुर इसके बारे में मैंने आपको पूरी क्लैरिफिकेशन दी थी उस लास्ट वीडियो के अंदर अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने सबूत लेके आया हूँ कुछ मेरे पास प्रूफ्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो क्या प्रूफ्स हैं एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले जब मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी उस दिन सेम डे मैंने इमीग्रेशन uh, को मैसेज uh, किया था इमिग्रेशन ऑफ सिंगापुर को मैसेज किया था और uh, कुछ इमिग्रेशन uh, ऑफिशल्स के मेरे पास जवाब आए हैं इन दोनों क्वेरीज़ को लेके तो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो क्वेरी जो मैंने उनको uh, की थी फॉरवर्ड और इसके अलावा उनका क्या जवाब आया था विद प्रूफ्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने लगा लगाऊँ तो फटाफट से आप इसे देख लीजिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को ज़रूर जरूर जरूर सपोर्ट करें सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर माई मोटिवेशन लेट्स बिकेट तो गाइज ये है सिंगापुर ट्रैवल अपडेट और यहाँ पर मेरी एक ई थी जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स को गई थी सिंगापुर में I have a query regarding children aged between 13 to 17. In India, currently, children are being vaccinated for Corvax, which is not listed under the approved list of vaccines in the case of Singapore. Are they subject to quarantine protocols or they are covered by their vaccinated parents? Secondly, the Safe Travel page states that one needs to have a booster shot if there's a gap of six months from their last or second vaccine dose, otherwise vaccination status would be inappropriate. आर दे ऑल्सो सब्जेक्ट क्वारंटीन प्रोटोकॉल टू डोज सफिशेंट काइंडली हेल्प तो इसके बेसिस पे आ, उनका जवाब आया मुझे आगे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दोनों सवालों का जवाब उन्होंने दिया और ऊपर लिखा है डियर मिस्टर सीम भारद्वाज वी रेफर टू योर ई मेल ऑन ट्वेंटी जून ट्वेंटी ट्वेंटी यहाँ पर लिखा है प्लीज बी इन फॉर्म दैट ट्रेवलर्स हुआ बॉर्न इन और बिफोर टू थाउजेंड नाइन एज थर्टीन एंड अब बाई ईयर ऑफ बर्थ आर ओनली कंसिडर्ड फुली वैक्सीनेटेड इफ़ द ट्रैवलर्स हैव रिसीव द फुल रेजिमेंट ऑफ डब्ल्यू एच ओ वैक्सी इन द लिस्ट ऑफ़ एक्सेप्टेड वैक्सीनेशन बिफोर अरावल इन सिंगापुर एंड मेट द मिनिमम डोज इंटरवल पीरियड एटलीस्ट टू वीक्स बिफोर अराइवल इन सिंगापुर इफ नॉट दे आर कंसिडर नॉन फुली वैक्सीनेटेड तो मतलब यही है कि जो बच्चे तेरह साल के हैं या तेरह साल से ऊपर के हैं वो वैक्सीनेटेड कंसिडर किए जा सकते हैं अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाई है जो कि डब्ल्यू एच ओ अप्रूवड है ठीक है ना और जो उनका जो सेकेंड डोज है उसके अंदर भी गैप है मतलब कि यूजली uh, दो हफ्तों का या चौदह दिनों का गैप होता है आगे लिखा है टू बी कंसिडर्ड फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स मस्ट हैव टेकन एट लीस्ट वन डोज ऑफ कैन सिनो बायो कोविडेंशिया और जैनसन एंड जेंसर एटलीस्ट टू डोजेज ऑफ एसनिका कोवैक्स एंड मोडेना स्पाईवैक्स कोविडशील्ड नोवावैक्स कोवोवैक्स न्यू न्यू वॉक्सट फाइजर बायोटेक कॉमनिटी सिनोवैक एंड सिनोफाम मिक्स डोजेज एंड बूस्टर यूजिंग दीज डब्बल्यू एच ओ वैक्सीस एंड वैक्सीनेशन विद रिकवरी आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल तो मतलब अगर इनका कोई मिक्स आपने किया है डोजेस को तो वो भी एक्सेप्टेबल है फॉर फुल डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल वैक्सीनेशन एंड डोज इंटरवल्स फॉर एंट्री टू सिंगापुर यू में विजिट सेव ट्रैवल पेज जो उनका है आपने भी देखा हुआ शायद आगे लिखा है फोर्थ पॉइंट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट कॉर्ब वैक्स इज नॉट लिस्टेड अंडर द डब्ल्यू एच ओ अप्रूव वैक्सीन्स तो जिन बच्चों ने यहाँ इंडिया में अभी कॉर्बोवैक्स लगवाई है उनके लिए जाना मुश्किल हो जाएगा आगे लिखा है अंडर द करंट वैक्सीनेटेड ट्रैवल फ्रेमवर्क नॉन फुली वैक्सीनेटेड लॉन्ग टर्म पास होल्डर्स एंड शॉर्ट टर्म विजिटर्स एजेड थर्टीन एंड अबव आर जनरली नॉट अलाउड टू एंटर सिंगापुर विद एक्सेप्शन ऑफ वैलिड एंट्री अप्रूवल फॉर कंपेशनेट रीजनस तो किसी बहुत ही अर्जेंसी के अंदर कोई एक्सेप्शन लेके जा सकता है यूजली अभी जो बच्चे तेरह साल से ऊपर के हैं तेरह साल के उनको अभी एंट्री इन्होंने जो है अप्रूव नहीं किए हैं सिंगापुर में जब तक वो अप्रूव लिस्ट ऑफ वैक्सीन्स में से कोई एक वैक्सीन लगवा देते हैं इफ़ द ट्रैवलर्स हैव इमीजिएट फैमिली मेम्बर्स हु आर इन सिंगापुर सिटीजन्स और सिंगापुर परमानेंट रेजिडेंट मे अप्लाई अंडर फेमिलियल लेंस टू एंटर सिंगापुर तो अगर आप सेफ ट्रैवल पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर एक सेपरेट सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे आप इसका जो प्रोसीजर है एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं देख सकते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा वैसे तो ये था एक कम्युनिकेशन वैक्सीन के बारे में क्या आप वैक्सीन है डायरेक्टली फ्रॉम द इमिग्रेशन ये इमिग्रेशन की ई है डायरेक्टली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ अभी तक के लिए आगे इसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा लेकिन मुझे जो जवाब आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ विद प्रूफ्स आगे चलते हैं

अभी अगर आप सेफ ट्रैवल पेज पे भी जाके देखेंगे वहाँ पे पहले ये लाइन अपडेटेड नहीं थी अभी रिसेंटली इन्होंने ये लाइन अपडेट की है कि बूस्टर डोज इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इनटू सिंगापुर देख सकते हैं आप सामने ठीक है ना तो ये दोनों चीज़ें कंफर्म करने के लिए मैंने उन्हें एक जो है ई लिखी थी और उनका आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उनका जवाब आया है मुझे और वो चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ तो आई होप कि अभी तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई uh, नो थोड़ा सा अभी चैलेंजिंग है बच्चों के लिए डजेंट मेक सेंस टू मी एट ऑल कि अगर पेरेंट्स फुली वैक्सीनेटेड हैं तो बच्चे क्यों नहीं कवर्ड हैं अगर उनको वैक्सीन कोई और भी लगी है तो फिर भी एक्सेप्शन उन्हें दी जानी चाहिए पेरेंट्स के साथ जिन्होंने अप्रूव लिस्ट ऑफ वैक्सीन में से वैक्सीन लगवाई है कुछ ऐसा कर सकते हैं इतने सारे ये लोग रूल्स एंड नॉर्म्स बना रहे हैं उसकी क्या ज़रूरत है ऑलरेडी थैंक यू सो मच गैस वॉचिंग दिस वीडियो ये वीडियो अपडेट कैसा लगा ज़रूर बताएं और इसके बारे में कोई और अपडेट आता है अगर restrictions और कम होती हैं तो मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ कवर करूँगा एंट्री रिक्वायरमेंट्स वैसे जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स जनरल अभी जो चल रही हैं वैक्सीनेटेड लोगों के लिए वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पोस्टेड है तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं लेकिन आगे बच्चों के बारे में क्या अपडेट आता है वहाँ उनकी तरफ से यहाँ बूस्टर डोज आगे लगी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए उसके बारे में कोई भी चेंजेस आते हैं वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें गुड बाय एंड टेक केयर